आइए शुरू करते हैं अंतर मन की सच्ची कहानियाँ। आपने अभी तक हमारे चैनल को इतना प्यार दिया, उसी के लिए आपका शुक्रिया करते हैं हम। और हमारे चैनल के बेल बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाली अंतर मन की सच्ची कहानियाँ आपको जल्द से जल्द देखने और सुनने को मिले। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद जय भारत। अंतर मन की सच्ची कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। एक जोरदार तमाचा लगाने के बाद वो चीखी, दफा हो जाओ अपने कमरे में। जैफी ने सर झुकाया और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। बाकी सब भी नजरें चुराए अपने अपने कमरों में चले गए। आमना बेगम आंखों में आंसू लिए लड़खड़ाते हुए अपने पास रखी कुर्सी पे बैठ गई और बेइख्तियार उनके मुंह से ये लफ्ज निकले, ये आपने अच्छा नहीं किया फारूक भाई, आपने मेरी बेटी के साथ अच्छा नहीं किया। आंखें बंद किए कुर्सी की पुश्त घास से टेक लगाए वो खुद पर काबू पाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। शायद इसमें सारी गलती मेरी ही है, ना मैं इतना बड़ा कदम उठाती ना आज ये सब होता, शायद मेरी ही गलती थी। फिर वो सोचों की दुनिया में चली गई। घर रोशनियों से चमक रहा था। आजम साहब और सफिया बेगम बहुत खुश थे। खुश क्यों ना होते, आखिर उनके बेटे और बेटी की शादी जो थी, फारूक की आज बारात थी और आमना की मेहंदी। सफिया बेगम आज तो तुम्हारी दिली तमन्ना पूरी हो गई ना, बहू जो घर में आ गई है। हाँ आजम, पर मुझे खुशी के साथ गम भी है, कल मेरी बेटी मुझे छोड़कर चली जाएगी। अरे बेटियां तो होती ही पराई हैं, एक ना एक दिन उन्हें अपने घर तो जाना ही पड़ता है। पर आजम मुझे आमना की बहुत फिक्र है, कहीं वो कोई गलत कदम ना उठा ले। चुप, उन्होंने सफिया के मुंह पर उंगली रखी। बस चुप, सब ठीक हो जाएगा। पर कहा ना चुप। सफिया के चेहरे पर मायूसी छा गई, खामोशी के सिवा कोई चारा नहीं था। आमना आमना होश में आओ, सारा ने उसे झिंझोड़ा था। अपना नहीं तो कम से कम अपने माँ बाप की इज्जत का ही ख्याल कर लो, क्या इज्जत रह जाएगी उनकी। तुम्हारे माँ बाप को जब पता चलेगा कि उनकी बेटी घर से भाग गई, प्लीज आमना कुछ तो ख्याल करो। ख्याल करूं, वो चीखी। उन्हें मेरा ख्याल नहीं आया, कितनी मिन्नतें की मैंने उनकी कि अब्बा अली के साथ ही मेरी जिंदगी की खुशी है, पर उन्होंने मेरी एक ना सुनी और उस्मान से मेरी शादी तय कर दी। पर आमना वो तुम्हारे माँ बाप है और तुम्हारा भला ही तो सोचेंगे ना। सारा प्लीज, मैं फैसला कर चुकी हूँ। ठीक है फिर, जो तुम्हारे दिल में आए वो करो, पर प्लीज आखिरी बार फिर सोच लो, ये ना हो सारी उम्र का पछतावा तुम्हारा नसीब बन जाए। सारा ये कहकर कमरे से निकल गई। सफिया बेगम, आमना को लाओ भाई, रस्म शुरू करें। जी अच्छा। सफिया बेगम साड़ी संभालते हुए अपनी बेटी आमना के कमरे की तरफ बढ़ी। आमना आमना, कमरे में छाई खामोशी से उनका दिल घबराया। कमरे को खाली देखकर उनका दिल तो डूबने लगा। या अल्लाह खैर। अचानक उनकी नजर मेहंदी के पीले जोड़े और उस पर रखे खत पर पड़ी। आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया, जैसे सब कुछ समझ आ गया हो। कांपते हाथों से खत उठाया। प्यारे अम्मा अब्बा, दुनिया के हर वालिदैन यही सोचते हैं ना कि वो जो भी फैसला अपनी औलाद के लिए करते हैं वो हमेशा ठीक ही होता है। वो अपनी मर्जी अपनी औलाद पर थोप देते हैं, ये सोचे समझे बगैर कि जिंदगी उन्होंने नहीं बल्कि उनके बच्चों ने गुजारना होती है। और किसी और की मर्जी से जिंदगी गुजारने का हौसला मुझ में नहीं। मेरी शादी से तीन जिंदगियां मुतासिर होंगी, मेरी अली और उस्मान की। हम में से कोई भी खुश नहीं रह पाएगा, इसलिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ अली के साथ। आप सब भाभी की आमद की खुशी में इतने मगन हैं कि जब तक आपको ये खत मिलेगा मैं बहुत दूर जा चुकी होंगी, जल्द लौट आऊंगी। प्लीज मुझे माफ कर देना, आपकी बेटी आमना। माँ पर तो जैसे बिजली गिर पड़ी। क्या कर दिया तुमने आमना, जीते जी ही मार डाला माँ बाप को, क्या जवाब दूंगी मैं सबको। कितनी देर तक यही सोचे उनके गिर्द घूमती रही। बड़ी हिम्मत करके वो बाहर आई, पहली नजर स्टेज पर बैठे बेटे फारूक पर गई, कितना खुश था वो। दूसरी नजर अपने शोहर पर गई, फिर कदम धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगे। अल्फाज ने जैसे साथ छोड़ दिया हो, सुनिए जरा बात करनी थी आपसे, दबे हुए लहजे ने उनके शोहर को शशोपंच में डाल दिया। क्या बात है, जरा मेरे साथ अंदर चलिए, वो आमना आपसे मिलने की जिद कर रही है। मेहमानों के सामने उससे अच्छा बहाना उन्हें कोई समझ नहीं आ रहा था। कमरे में खामोशी और खत आजम साहब के हाथ में था।
टांगों में जैसे जान नहीं थी खड़ा रहने की, लड़खड़ा कर बेड पर बैठे। आजम आप ठीक तो है ना? माँ के होश साथ छोड़ रहे थे। आजम, आजम, फारूक को बुलाओ, आप ठीक है ना? मैंने कहा फारूक को बुलाओ। सफिया बेगम बाहर को भागी। भागते भागते एक धमाका हुआ, बिजली की तरह वो पलटी। उनकी चीखों ने घर भर में हलचल मचा दी। सब भागते हुए आन पहुंचे। फारूक की नजर अपने बाप की खून में लथपथ लाश पर पड़ी। माँ की चीखों का उसे होश ना रहा। बाप की तरफ लपका, पर बहुत देर हो चुकी थी। उनके हाथ में पिस्तौल और दूसरे में आमना का लिखा खत अब भी मौजूद था। फारूक ने उनकी मुट्ठी से वो कागज का टुकड़ा निकाला। आमना का लिखा एक एक लफ्ज कांटों की तरह चुभ रहा था। गुस्सा और नफरत उसके चेहरे पर उमड़ आई थी। कैसा खुशियों से भरा घर मातम कदा बन गया था। अली, हम कब चलेंगे अम्मा अब्बा से माफी मांगने? वो अली से पिछले 3 दिन से ये सवाल पूछ रही थी। अली जान के भी अनजान सा बन जाता, क्योंकि वो जानता था ये सब इतना आसान नहीं था जितना वो समझ रही थी। आज कल में चलते हैं, वो नजरें चुराते हुए बोला। अली, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, पता नहीं क्या हुआ होगा मेरे बाद। अम्मा अब्बा ने कैसे संभाला होगा सबको, उन पर पता नहीं क्या बीती होगी। मैं घर फोन करूं क्या? अली ने कुछ सोचा और फिर हाँ में सर हिला दिया। आज उसके बाप का 40वां था। घर फिर से मेहमानों से भरा था, पर इस दफा वो उनकी खुशियां नहीं गम बांटने आए थे। फोन की घंटी बज रही थी। समर ने फोन उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से भाभी के पुकारे जाने पर उसे एक शॉक लगा था। आमना, उसके मुंह से बेख्तियार निकला। तुम्हें पता है तुमने क्या किया आमना? किसका फोन है? माँ की आवाज से वो चौंकी। वो अम्मी, वो आमना का है। क्या आमना? उन्होंने फोन छीन लिया। जन्म जली बाप को खा गई, तुझे सुकून नहीं मिला? अब हमारे पीछे क्यों पड़ गया अब तू? माँ और भाई बचे हैं ना, उन्हें भी मार डाल। आमना के तो होश ही उड़ गए। अम्मी, क्या हुआ अब्बा को? क्या हुआ? उनके मुंह से जैसे आग निकल रही हो। मार डाला तेरी वजह से उन्होंने खुद को। आमना पर तो कयामत टूट पड़ी। खबरदार, आइंदा यहाँ फोन किया तो जान ले लूंगी तेरी। फोन को गुस्से में माँ ने पटक दिया। कोई इसका नाम नहीं लेगा आज के बाद, मर गई वो हमारे लिए, चीख चीख कर उसकी माँ रोने लगी। समन, अम्मा को अंदर ले जाओ। फारूक से माँ की हालत देखी ना गई, पर वो बेबस था, कुछ कर भी नहीं सकता था। अली, अली, वो रोते रोते चीख रही थी। अली भागता हुआ आया। क्या हुआ आमना? अली, अब्बा ने खुदकुशी कर ली। अली की आंखें तो खुली की खुली रह गई। क्या? हाँ अली, सब मेरी वजह से हुआ है। वो फूट फूट कर रो रही थी। अली प्लीज मुझे घर ले चलो, मुझे अम्मा के पास जाना है। अली प्लीज मुझे ले चलो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। अली चुप था। अली को भी लगा कि शायद वक्त आ गया है सबका सामना करने का। ठीक है आमना, सुबह हम वापस चलेंगे। डॉक्टर, डॉक्टर, नर्स भागती हुई उस्मान के कमरे में दाखिल हुई। डॉक्टर साहब, इमरजेंसी है, एक्सीडेंट केस है, जल्दी चलें। उस्मान जल्दी से कमरे से बाहर निकला। नर्स के साथ चलते हुए वो इमरजेंसी रूम की तरफ बढ़ रहा था। नर्स तफसील बता रही थी। डॉक्टर साहब, एक लड़का लड़की थे, कार में बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ, लड़का तो मौके पर ही मर गया, लड़की की हालत भी नाजुक है। उस्मान इमरजेंसी रूम में दाखिल हुआ, जहां डॉक्टर फौजिया पहले से मौजूद थी। उस्मान आगे बढ़ा और लड़की का चेहरा देखते ही उसके होश उड़ गए। सर कुर्सी से टिकाए, आंखें बंद किए वो उस दिन को याद कर रहा था जब उसने पहली मर्तबा आमना को देखा था, और देखते ही वो उसे पसंद आई थी। वो उसके अब्बा के दोस्त की बेटी थी। अब्बा हर वक्त उसके हुस्न की तारीफों के पुल बांधा करते थे, और जब उसने उसे देखा तो अब्बा की एक एक बात सच लगी। उस्मान की रजामंदी से रिश्ता तय हुआ। वो कितना बेसब्र हो गया था कि कब आमना को वो अपनी दुल्हन के रूप में देखेगा, पर जब उसके ख्वाबों को ताबीर मिलने वाली थी तो उसका एक एक ख्वाब कांच की तरह टूटा था। कितना रोया था वो अकेले में उस दिन, शायद वो इतना कभी ना रोया होगा। डॉक्टर साहब, वो नर्स की पुकार पर चौंका। वो इस लड़की को होश आ गया है डॉक्टर साहब, और वो बार बार अपने शोहर का पूछ रही है, प्लीज आप जल्दी आइए। तुम चलो, मैं आता हूँ। वो उस कमरे की तरफ बढ़ा। आमना की आवाज उसके कानों तक साफ सुनाई दे रही थी, जो एक ही सवाल पूछ रही थी कि अली कहाँ है। उस्मान पर नजर पड़ते ही वो चौंकी। उस्मान तुम? पर उस वक्त उसे उस्मान की मौजूदगी से ज्यादा अली की गैर मौजूदगी तकलीफ दे रही थी। इससे पहले कि वो कुछ कहता, वो खुद ही बोल पड़ी, उस्मान कहाँ है अली? कोई मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहा? तुम तो डॉक्टर हो ना, तुम्हें तो पता होगा, प्लीज बताओ अली कहाँ है। आमना, अली, वो अली कहाँ है? अली प्लीज बताओ मुझे,
अली अब इस दुनिया में नहीं रहा। चट्टा, एक जोरदार तमाचा उसने उस्मान के गाल पर रसीद किया। शर्म नहीं आती तुम्हें इस तरह कहते हुए? वो अपने होश खो रही थी। अली कहाँ है, उसको बुलाओ, आमना होश में आओ। उस्मान ने उसे झिझोड़ा। अली अब इस दुनिया में नहीं है। नहीं अली, नहीं मर सकता, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। तुम झूठ बोल रहे हो। वो बाजू छुड़ाकर बाहर कमरों में फिरने लगी। अली कहाँ हो तुम, अली कहाँ हो? उस्मान से उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। वो उसके पीछे भागा, उसका बाजू पकड़ा। वो चीखी, छोड़ दो मुझे, अली के पास जाना है मुझे। बस आमना होश में आओ, अली से मिलना है ना, आओ मैं तुम्हें दिखाऊं। वो उसका हाथ पकड़े उसे उस कमरे में ले गया जहां अली की डेड बॉडी रखी थी। उसने अली के मुंह से चादर हटाई। ये देखो आमना। आमना की आंखें फटी की फटी रह गई। एक रोबोट की तरह चलती हुई वो आगे बढ़ी। अली को छूकर देखा तो जैसे उसके जिस्म में करंट लगा। दोबारा छूने की हिम्मत ना रही। अली, वो धाड़े मार मार कर रोने लगी। अली उठो प्लीज, मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर। अली वो रोते रोते बेहोश हो गई। उस्मान ने उसे बामुश्किल थामा। फारूक भाई प्लीज इसे घर ले जाएं, इस वक्त इसे आप सबकी बहुत जरूरत है। उस्मान के बहुत समझाने पर फारूक मान गया। आमना को घर आए आज महीना हो गया था। फारूक तो उसके सामने आना भी पसंद ना करता था। उसे आमना से नफरत हो गई थी और आमना खुद भी फारूक भाई से नजर मिलाने की हिम्मत नहीं रखती थी, बल्कि घर के किसी भी फर्द से वो बात ना करती। माँ ममता की मारी ने आमना को फिर से अपना लिया था। आमना की तबीयत बहुत खराब थी तो उस्मान उसे देखने आया था। वो सदियों की मरीज लग रही थी। आप कुछ खाती पीती नहीं है, कितनी कमजोर हो गई है, वो उसको बातों में इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा था। मुझे कुछ नहीं चाहिए बस मौत के सिवा। ऐसी बातें नहीं करते आमना, अभी तो आपको अली के लिए जीना है, कल को उसकी औलाद के लिए। अच्छा आप घर से बाहर क्यों नहीं जाती, समन भाभी आपकी शिकायत कर रही थी। उस्मान ने बात बदलने की कोशिश की पर वहां खामोशी ही थी। उस एक महीने में उस्मान हफ्ते में 2 बार उससे मिलने आता रहा। उस्मान की यही कोशिश थी कि वो आमना को फिर से जिंदगी की तरफ ले आए। उस्मान आप जानते हैं मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो मेरे किए की सजा थी। मैंने कितने दिल तोड़े, आपका, अम्मा का, अब्बा का, भाई भाभी सबका, किसी की बददुआ लग गई मुझे। वो फिर से रोने लगी। ऐसा मत बोलो, जो होता है अल्लाह की मर्जी से होता है, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, तुमने वो किया जो तुम्हें ठीक लगा। मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद मैं भी यही करता। उस्मान ने उसे समझाने की कोशिश की। अच्छा अब मैं चलता हूँ, हो सका तो कल आऊंगा। उसने अपना बैग उठाया और दरवाजे की तरफ पड़ा। उस्मान, आमना ने उसे आवाज दी। जी उस्मान, आप मत आया करें, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, अब मुझे डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं, आप अपना कीमती वक्त बर्बाद मत किया करें यहाँ आकर। उस्मान को आमना के अल्फाज न जाने क्यों चुभ रहे थे। वो चुपचाप उसे देखता रहा और फिर कुछ कहे बगैर वहां से निकल गया। समन देखो कितना अच्छा लड़का है ना, हमारी आमना का कितना ख्याल रखता है। अम्मा और भाभी सब्जी काट रही थी, बस अल्लाह करे कि मेरी आमना का घर बस जाए। हाँ अम्मा, उस्मान भाई बहुत अच्छे हैं, आमना का रिश्ता फिर से जुड़ जाए तो क्या ही अच्छा होगा, बस दुआ करो कुछ ऐसा ही हो जाए। जैफी प्लीज दरवाजा खोल यार, अजान कब से दरवाजा बजा रहा था। जैफी ने दरवाजा खोल ही दिया। शुक्र है तुमने दरवाजा खोल दिया, वरना मैं तो तोड़ देता। जैफी अभी भी बहुत गुस्से में था, कुछ ना बोला। आजान भी उसके पास आकर बैठ गया। जैफी मेरी तरफ देखो और मेरी बात तवज्जो से सुनो, तुम जानते हो ना कि मामू का सलूक हमसे कैसा है, तो फिर तुम क्यों इस बात को मान नहीं लेते। जो तुम चाहते हो ऐसा कभी नहीं हो सकता, अम्मा ने तुम्हें कितना समझाया पर तुम समझते ही नहीं। नहीं समझना मुझे कुछ, उसकी आवाज में शिद्दत थी, मैं मर जाऊंगा या उनको मार डालूंगा, और ये तुम कान खोल कर सुन लो। जैफी चीखता हुआ बाहर निकल गया। आजान अभी भी शौक में था, वो जानता था कि जैफी अपनी जिद का कितना पक्का है। अम्मी मैं जैफी से ही शादी करूंगी, अब्बा को बता दें, अगर मेरे साथ किसी ने जबरदस्ती की तो मैं सबके सामने शादी से इनकार कर दूंगी। समन ने खींच कर थप्पड़ अपनी बेटी जारा के मुंह पर मारा। खबरदार जो ऐसी बात आइंदा कभी की, तुम्हारे अब्बा को पता चला तो शादी तो दूर तुम्हारी जान ले लेंगे, समझी। जारा फूट फूट कर रोने लगी। समन ने उसे गले से लगा लिया। मेरी बच्ची सबर कर, मैं उन्हें मनाने की कोशिश करूंगी, तू बस मुझ पर भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। समन फारूक की आवाज सुनते ही चौकन्ना हो गई। ए सुन जारा, बाप के सामने ऐसी उल्टी सीधी बातें मत करना, मैं बाहर जाती हूँ, तू उनके सामने मत आना। वो उसे समझा कर चली गई।
जारा ने अपना मुंह तकिए में दे दिया और फिर से रोना शुरू कर दिया। जी आपने बुलाया, वो कल जमाल भाई और भाभी आएंगे, जारा को मम्मी की अंगूठी पहनाने और एक हफ्ते बाद शादी की रस्म अदा करेंगे। समन जानती थी कि कुछ ऐसा ही होगा। वो मैं कह रही थी कि अगर जैफी से, तुम जानती हो ना कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, तो फिर बार बार वही बात दोहराने का क्या फायदा। पर अगर जारा ना मानी तो क्या मतलब है तुम्हारा? अगर जारा ने कोई ऐसी वैसी हरकत की तो मैं भूल जाऊंगा कि वो मेरी बेटी है, जान ले लूंगा उसकी। समझ में आई, उसे भी समझा देना। आमना, काफी दिन हो गए उस्मान यहाँ नहीं आया, समन भाभी कपड़े अलमारी में रखते हुए आमना से पूछ रही थी। मुझे क्या पता, उनकी अपनी जिंदगी है, मसरूफ होगा, और वैसे भी क्या करेगा यहाँ आकर। आमना, एक बात कहूँ? हाँ कहो भाभी। तुम उस्मान से शादी कर लो। भाभी, मैं किसी की जिंदगी खराब नहीं करना चाहती। मैं उस्मान को कभी वो मोहब्बत वो प्यार नहीं दे सकूंगी जिसका वो हकदार है, और वैसे भी मैं अपने हिस्से की मोहब्बत कर चुकी हूँ भाभी, जो एक बार ही होती है, बार बार नहीं। तो क्या तुम सारी जिंदगी ऐसे ही गुजार दोगी समन? नहीं, मेरा अली मेरे साथ है हर वक्त साए की तरह भाभी, मेरी जिंदगी के लिए उसकी यादें ही काफी है। आमना, काश तुम्हें पता होता कि मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत है। हम दोनों के नाम एक साथ कितने अच्छे लगते हैं, आमना उस्मान, है ना? पर शायद ये नाम कभी जुड़ नहीं पाएंगे। उस्मान अपनी डायरी में अपने दिल की हर बात लिखता था, वही उसके दिल की किताब थी जिसे पढ़ने वाली पढ़ना नहीं चाहती थी। उस्मान के फोन की घंटी ने उसे चौंका दिया। हेलो, कौन? और आवाज ने उसे हैरान कर दिया। दूसरी तरफ आमना थी। उस्मान, मैं आमना, वो अम्मी की तबीयत खराब है, क्या आप आ सकते हैं? एक दफा फिर से मायूसी, काश तुम कुछ और कहने के लिए फोन करती, उस्मान ने दिल में सोचा। ओके, मैं आता हूँ, इन्हें रेस्ट की जरूरत है और ये दवाइयाँ भी मंगवा लेना। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। वो उठ खड़ा हुआ। प्लीज अब चाय पी कर जाइएगा उस्मान। नहीं, मुझे चाय अच्छी नहीं लगती, और वो चला गया। आमना हैरानी से उसे जाते हुए देखती रह गई। आमना को बार बार उस्मान का वो रवैया याद आ रहा था। आज उसने मुझे इतना इग्नोर क्यों किया? क्या उसे मुझसे नफरत है? नहीं, ऐसा नहीं, उसे तो मुझसे बहुत मोहब्बत थी, फिर ऐसा रवैया क्यों? पर मैं क्यों इसके बारे में इतना सोच रही हूँ? पिछले कई दिनों से वो मेरे दिलो दिमाग पर क्यों छाया हुआ है? क्या मुझे भी उससे मोहब्बत है? नहीं, ऐसा नहीं, मैं उससे कैसे मोहब्बत कर सकती हूँ? उफ़ो, मेरा दिमाग क्यों उलझ रहा है? उसका मोबाइल बजने लगा। स्क्रीन पर उस्मान का नाम दिखाई दे रहा था। हेलो आमना, मुझे आज तुमसे कुछ कहना है। तुम्हें पता है, मैंने तुम्हें पहली बार देखते ही अपने दिल में बसा लिया था। तुम केसरी रंग का लिबास पहने हुए कितनी प्यारी लग रही थी। मेरा बस चलता तो उसी वक्त तुम्हें अपनी दुल्हन बना लेता, पर मेरी किस्मत ने मुझे हमेशा धोखा दिया आमना। बचपन से लेकर आज तक मैंने जो चाहा वो मुझे मिलकर भी ना मिला, तुम भी मुझे मिलकर ना मिली। मैं कितना खुश था, कितने अरमानों से दूल्हा बना था। मेरा क्या कसूर था आमना, क्या कसूर था मेरा? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था? आमना, मैं तो कुछ बोलने की हिम्मत ना थी, वो चुपचाप सुनती रही। तुम क्या जवाब दोगी? तुम तो पत्थर दिल हो, किसी के एहसास तुम्हें समझ नहीं आएंगे। जाओ सो जाओ। फोन कट गया। आमना से ना जाने वो क्या क्या कह गया जिसकी आमना को तवक्का ना थी। फोन अभी भी आमना के कान के साथ ही लगा था। आमना से उसकी बातें हजम नहीं हो रही थी। अरे नफरत है मुझे उससे, फारूक चिल्ला रहा था। पर वो आपकी बहन है, समन उसे समझाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। बहन? मेरी बहन उस दिन मर गई थी जिस दिन उसने इस घर से बाहर कदम निकाला था। उसकी वजह से मेरे बाप ने खुद को मार डाला, मैं कभी नहीं भूल सकता। इस घर में मैं कैसे बर्दाश्त कर रहा हूँ उसे, ये मैं ही जानता हूँ। समझ आई? आमना ने अपने भाई फारूक की सारी बातें सुन ली थी। उसकी आंखों से आंसू जारी थे। रोते रोते वो अपने कमरे में भाग गई। उसका फोन फिर से बजने लगा। हेलो आमना, मैं उस्मान। वो मुझे सॉरी बोलना था, कल मैंने पता नहीं आपको क्या क्या बोल दिया। नहीं उस्मान, वो रोते रोते बोली, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी मैंने। आमना, आप मुझसे शादी करेंगी? सवाल इतनी जल्दी था कि जवाब ना बन पाया। आमना चुप हो गई। उस्मान ने उसकी खामोशी को महसूस कर लिया था। आप मुझे कल जवाब दे दीजिएगा, मैं जानता हूँ आप इस वक्त किस कंडीशन में हैं। मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा, मैं फोन रखता हूँ। उसने फोन बंद कर दिया और आमना की नींद फिर से उड़ गई। उस्मान आमना का नंबर लगा रहा था पर आमना फोन नहीं उठा रही थी। बेटा किसे फोन मिला रहे हो? अम्मी, वो मैं आमना को। आमना को? उस्मान की माँ ने बड़ी हैरत से पूछा। अम्मी, मुझे आमना से शादी करनी है।
उस्मान ने हिम्मत करके अपनी माँ के सामने अपनी दिल की बात रख दी। क्या उस्मान, तुम पागल तो नहीं हो गए? इतने में नौकरानी आन पहुंची। साहब जी, आपका फोन है। उस्मान ने उसकी बात अनसुनी कर दी। अम्मी प्लीज, मैं आमना से शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम उस लड़की से शादी करना चाहते हो जिसने तुम्हारा तमाशा बनाकर रख दिया था? घर से बाहर भाग गई थी अपने आशिक के साथ? क्या पता कल को किसके साथ भाग जाए। अम्मी प्लीज। ना बेटा ना, मेरे जीते जी तो ऐसा मुमकिन नहीं। मैंने तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया है, अब तुम अपनी शादी की तैयारियां करो और सब भूल जाओ। माँ ये कहते हुए निकल गई। उस्मान बेबस खड़ा रह गया। आमना अपने कमरे में बैठी रोए जा रही थी। उस्मान का फोन फिर से आने लगा। हेलो आमना, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ उस्मान, मुझे पता है आप मेरी बात को समझेंगे और मेरी मजबूरी भी। मैं आपको वो खुशी कभी नहीं दे सकूंगी जिसके आप हकदार हैं। मेरा और आपका कोई मैच नहीं, और आपको मुझसे हजार गुना ज्यादा अच्छी लड़की मिल जाएगी। आप मेरे लिए अपनी लाइफ बर्बाद मत कीजिए। मैं आपको कभी खुशी नहीं दे सकती। मेरी जिंदगी मैंने अली के नाम कर दी है और उसी के नाम से ही जिंदगी गुजार दूंगी। उम्मीद है कि आप मुझे गलत नहीं समझेंगे। अब मैं फोन रखती हूँ। आमना ने झट से फोन काट दिया और फिर से फूट फूट कर रोने लगी। कैसे बताती उस्मान को कि जब उसने उस्मान की मिस कॉल्स देखी तो कॉल बैक किया, पर उस्मान का नंबर बंद था। फिर सोचा कि इस वक्त उस्मान घर पे ही होगा। घर का नंबर मिलाया तो नौकरानी जब उस्मान को बुलाने गई तो उस्मान और उसकी माँ के दरमियान होने वाली सारी बातें उसने सुन ली थी। एक दफा फिर आमना को अपनी किस्मत पर अफसोस हो रहा था। उसने अपनी मोहब्बत दोबारा खो दी थी और आज उसे पता चल गया था कि मोहब्बत फिर से भी हो जाती है। उस्मान की शादी उसकी माँ की मर्जी से हो गई। अल्लाह ने आमना को दो जुड़वा बेटे दिए जिनके नाम आजान और जियान थे। आजान को जी और जियान को जैफी के नाम से वो पुकारती थी। फारूक की बेटी का नाम जारा रखा गया। आमना ने सारी उम्र शादी ना करने का फैसला कर लिया। फारूक की नफरत आमना के लिए वैसी ही थी। वक्त गुजरता रहा और यूं 20 साल गुजर गए। तो आज हम आपको बताएंगे कि बालों की कटिंग कैसे की जाती है। जारा ने मोहल्ले भर के बच्चों को जमा कर रखा था और उनमें से एक लड़की के बालों पर कैंची चलने वाली थी। तो कैंची को यूं पकड़िए और यूं बालों के करीब लाइए। आपा, अब्बा, एक बच्चे ने जारा को खबर दी। जारा के हाथ कांपे, कैंची चल पड़ी। एक बड़ा सा कट उस लड़की के बालों को लगा। सब बच्चों के मुंह से हाओ की आवाज आई। जारा का दिल जोर से धड़का। हाय अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? ये नया फैशन है, चलो तुम सब अब अपने अपने घर को जाओ। उसने सब बच्चों को भगा दिया, खुद दुपट्टा सर पर रखा और कमरे की तरफ भागी। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हो रहा था? कुछ नहीं, पेपर की तैयारी कर रही थी। शाबाश, देखा मेरी कितनी लायक बेटी है। और वो दोनों भाई तोपा? अब्बा मैं जाऊं, पेपर तैयार करना है। हाँ हाँ जाओ। जारा जल्दी जल्दी अपने कमरे में भागी। जारा ने खिड़की से बाहर देखा तो उसका सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। जिस लड़की के बालों को उसने कट लगाया था उसकी माँ उसका हाथ पकड़े घर में मौजूद थी। कहाँ गई आपकी बेटी? भाई साहब देखिए मेरी बेटी के बालों का क्या हशर किया उसने। अब्बा हैरान हुए। आपको कोई गलतफहमी होगी, जारा तो अपना पेपर तैयार कर रही थी। भाई साहब गलतफहमी आपको हुई है, अभी अभी तो ये हाल किया है उसने। जारा का दिल कांपने लगा। फारूक ने जारा को आवाज दी। मर गई आज तो। जारा डरते डरते सामने आई। जारा, जो मैंने सुना है क्या वो सच है? जारा के पास अल्फाज नहीं थे, नजरें नीचे झुके। फारूक को गुस्सा तो बहुत आया पर काबू कर लिया। उस औरत से माफी मांगी और फिर जो जारा की क्लास हुई वो तो पूछिए ही मत। जैफी का हंस हंस कर बुरा हाल था। आजान भैया देखे ना कैसे जैफी मुझ पर हंस रहा है। अरे तुम दोनों तो ऐसे ही एक दूसरे की टांग खींचते रहते हो, मुझे तो दूर ही रखो। ओके मैं चली। वो गुस्से से उठी। जैफी ने उसका हाथ थाम लिया। अजी किधर चले हमें छोड़कर? वहां जहां आप ना हो। हाय जहां जहां आप वहां वहां हम, हर जगह साथ साथ। ओ अच्छा। जारा सारा गुस्सा भूल गई। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, चेहरे पे शरारती मुस्कान थी। आजान जियान और उनकी माँ अमना घर के ऊपरी हिस्से में रहते थे जबकि बाकी नीचे। जैफी और जारा दोनों बचपन से ही एक दूसरे के साथ रहे और बड़े होते होते उनका प्यार भी बढ़ता गया। दोनों लड़ते भी रहते थे और साथ भी रहते थे। फारूक को अपनी बहन और भांजों से आज भी उतनी ही नफरत थी जितनी के कल, और जैफी से तो खास तौर पर क्योंकि उसकी शक्ल काफी हद तक अली से मिलती थी। जैफी गुस्से का बहुत तेज भी था, जरा सी बात भी वो बर्दाश्त ना करता था। एक दफा जारा ने इस्तरी करते हुए जैफी की शर्ट जला दी। जारा उसे जली हुई शर्ट दिखाकर गार्डन की तरफ भागी। जैफी भी उसके पीछे भागा।
जैफी गार्डन से गुजरते हुए बाहर के गेट के करीब पहुंचा ही था कि फारूक से उसकी जोरदार टक्कर हो गई। मामू में अभी अभी घर में दाखिल हुआ था। खींच कर थप्पड़ जैफी के गाल पर मामू ने दे मारा। अंधे हो क्या, देखकर नहीं चलते निकम्मे? कोई तमीज नहीं सिखाई तुम्हारी माँ ने तुम्हें? फारूक तो शुरू हो गया। जैफी से गुस्सा जब्त नहीं हो रहा था, वो अपनी मुट्ठियां भींच रहा था। इससे पहले कि जैफी फट पड़ता, उसका भाई आजान वहां आ पहुंचा। सॉरी मामू। अरे जाओ यहाँ से। सॉरी मामू। आए बड़े, लेकर जाओ इसे यहाँ से। फारूक आगे बढ़ गया। जैफी मामू के पीछे लपका, लेकिन उसे आजान ने कंट्रोल कर लिया और ऊपर ले गया। आई एम सॉरी जैफी, मेरी वजह से तुम्हें अब्बा से डांट पड़ी। तुम प्लीज अब्बा की बातों का बुरा मत मानना, वो दिल के बहुत अच्छे हैं। आजकल बस वो गुस्से में रहते हैं। तुम देखना हमारी शादी पर कैसे तुम्हें गले लगाएंगे। जारा हमारी शादी होगी ना? हाँ जैफी, जरूर होगी और बहुत धूमधाम से होगी। पर जारा अगर तुम मुझे ना मिली ना तो मैं मर जाऊंगा। अल्लाह ना करे जैफी, तुम ऐसी बातें मत किया करो प्लीज। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम सारी जिंदगी मेरे साथ रहोगी ना? हाँ जैफी, सारी उम्र, वादा, पक्का वादा। जैफी माँ की गोद में सर रखे लेटा हुआ था। आमना उसके सर पर हाथ फेर रही थी। अम्मी। हाँ मेरी जान। अम्मी वो मेरी और जारा की शादी की बात करे ना? आमना का हाथ रुक गया। जैफी कोई और लड़की देख लो बेटा, मैं पहले भी तुम्हें समझा चुकी हूँ। अम्मी प्लीज, मैं भी आपको कई दफा बता चुका हूँ कि मुझे बस जारा ही से शादी करनी है। अम्मी मैं उसके बगैर नहीं रह पाऊंगा और ना वो मेरे बगैर। प्लीज अम्मी आप बात करें ना मामू से, मेरी खातिर प्लीज। मेरी जान, तुम दोनों की खातिर तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ। चलो ठीक है, मैं बात करती हूँ। क्या बातें हो रही हैं? आजान भी आ पहुंचा। भैया मेरी शादी की बातें हो रही हैं। लो जी, हमसे तो पूछा भी नहीं कि हमारी भी शादी की उम्र हो गई है। कोई हमारे भी हाथ पीले करा दो। हम दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे ना शायद। अरे बेशर्मो, शर्म करो, अपनी शादी की बातें खुद करते हो तुम दोनों, शर्म नहीं आती? माँ ने हल्का सा थप्पड़ लगाया। अरे अम्मी इस जमाने में क्या शर्माना, अब तो दुल्हने खुद कहती हैं कि कब डोली लेकर आओगे। आजान ने फिल्मी अंदाज अपनाया और एक कहका कमरे में गूंजा। फारूक भैया, मुझे आपसे बात करनी है। आना बड़ी हिम्मत करके फारूक से बात करने गई। कहो, जवाब मुख्तसर मिला। वो भैया, मैं जारा का हाथ जैफी के लिए मांगने आई हूँ। फारूक ने गुस्से के आलम में आमना को देखा। क्या कहा तुमने? जारा का हाथ? तुमने ये बात सोच भी कैसे ली? तुम्हें मेरी ही बेटी नजर आई अपने उस आवारा बेटे के लिए जिसे मैं देखना भी पसंद नहीं करता, और तुम रिश्ता ले आई? फारूक की आवाज बुलंद होने लगी। जैफी और आजान तक भी फारूक की आवाज जाने लगी। भैया वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। अरे चुप हो जाओ, पसंद करते हैं, ये सारी तुम्हारी गलती है। तुम्ही ने अपनी निकम्मी औलाद को ऐसा बना दिया है जैसी तुम खुद हो। आमना की आंखों से तो आंसू जारी थे। जैफी से ना रहा क्या, और आजान के लाख मना करने पर भी वो ना रुका और फारूक के सामने खड़ा हो गया। खबरदार मामू, जो मेरी माँ को कुछ कहा आपने, बचपन से लेकर आज तक मैंने आपका हर इल्जाम बर्दाश्त किया है, पर आज नहीं। चुप हो जाओ जैफी। नहीं अम्मी, आज मुझे बोलने दे। अरे बोलो, क्या बोलना है तुम्हें, मैं भी तो सुनूं। तुम क्या बोलोगे? मैं बोलता हूँ, नफरत है मुझे तुमसे, तुम्हारी माँ से, तुम्हारे बाप से। सोचना भी मत कि मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दूंगा। मैंने अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया है। दफा हो जाओ अब यहाँ से। आजान ने बड़ी मुश्किल से जैफी को काबू में किया और माँ के कमरे में ले आया। आमना पर फारूक की बातें बिजली की तरह गिरी। लाचार कदमों से वो सीढ़ियां चढ़ती अपने कमरे में पहुंची। आगे जैफी गुस्से में पागल हो रहा था। वो होते कौन है ऐसी बातें करने वाले, मैं छोड़ूंगा नहीं उन्हें, और जारा की शादी मुझसे ही होगी, सिर्फ मुझसे। सब घर वाले फिर जमा हो गए। अम्मी मैं नहीं छोड़ूंगा आज मामू को। जैफी को एक जोरदार तमाचा लगाने के बाद आमना चीखी, दफा हो जाओ अपने कमरे में। जैफी ने एक नजर माँ को देखा, फिर सर झुकाया और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। बाकी सभी नजरें चुराए अपने अपने कमरों में चले गए। आमना बेगम आंखों में आंसू लिए लड़खड़ाते हुए अपने पास रखी कुर्सी पर बैठ गई और बेख्तियार उनके मुंह से यही अल्फाज निकले, फारूक भाई आपने मेरे बेटे के साथ अच्छा नहीं किया। आंखें बंद किए टेक लगाए वो खुद पर काबू पाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। शायद इसमें सारी गलती मेरी ही है, ना मैं इतना बड़ा कदम उठाती, ना आज ये सब कुछ होता, शायद मेरी ही गलती थी। अगले दिन जमाल भाई अपने बेटे के लिए जारा के हाथ में अंगूठी पहनाने आ पहुंचे। जैफी घर पर नहीं था। जारा ने माँ बाप की इज्जत रख ली और चुपचाप मंगनी की अंगूठी अपने हाथ में सजा ली। आमना और आजान मेहमानों की तरह शामिल हुए। जारा तो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, वो चीख रहा था।
सैफी प्लीज समझने की कोशिश करो, मैं मजबूर हूँ। मजबूर हो? तुमने मेरे बारे में सोचा? मेरा क्या होगा जारा, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। जैफी तुम अपने आप को समझा लो, मेरी शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, तुम भी। शट अप जारा, कान खोल कर सुन लो, मैं तुमसे ही शादी करूंगा वरना मैं मर जाऊंगा, सुना तुमने? जैफी अपने अपने माँ बाप की बात नहीं टाल सकती, प्लीज तुम समझने की कोशिश करो और सब भूल जाओ। जारा ने दिल पर पत्थर रख लिया था, ना जाने ये सब कहने को उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई। जैफी उसकी तरफ हैरत से देखने लगा, जैसे उस पर किसी ने बिजली गिरा दी हो। जारा वहां से चली गई, जैफी का खून खोलने लगा। जैफी दरवाजा खोल यार, आजान कब से दरवाजा बजा रहा था। पर जैफी की तरफ से कोई जवाब ना पाकर अब उसे परेशानी होने लगी। उसने दरवाजे को और जोर जोर से बजाया, पर कोई जवाब ना पाकर उसने दरवाजा तोड़ने का फैसला किया। जब दरवाजा टूटा तो आजान के होश उड़ गए। जैफी बेड पर पड़ा था, उसके मुंह से झाग छूट रही थी, उसने जहर खा लिया था। आजान बिजली की तेजी से उसके पास पहुंचा, इतने में आमना भी आ पहुंची। जैफी की हालत देखकर उसने चीखना शुरू कर दिया, सारा घर जमा हो गया। जारा पर बिजली गिर पड़ी और वो दरवाजे के पास भूत बनी खड़ी रही। फारूक को भी एक धचका लगा, पूरा घर अस्पताल में मौजूद था। उस्मान प्लीज मेरे बेटे को बचा लो, प्लीज मैं मर जाऊंगी, प्लीज, आमना रोए जा रही थी। आमना प्लीज हौसला करो, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या मिला मेरा बेटा मुझसे छीन कर? अगर उसे कुछ हुआ तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। माना कि मुझसे गलती हुई, जिसकी सजा मैं आज तक भुगत रही हूँ, मुझे माफी मिलनी चाहिए थी। बहुत सजा काटी मैंने, आज उस गलती की सजा फिर से मुझे मिली। मेरा बेटा जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। आमना रोए जा रही थी और फारूक शर्मिंदगी से जमीन में गड़े जा रहा था, शायद उसको अब अपने किए का पछतावा था। इतने में उस्मान ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया। आमना पागलों की तरह उसकी तरफ भागी, मेरा बेटा कैसा है, वो ठीक तो है ना, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? आमना, जैफी अब इस दुनिया में नहीं रहा। आमना पर तो जैसे कयामत टूट पड़ी। फारूक के पास अफसोस और पछतावे के सिवा कुछ ना था। जारा की चीखें अस्पताल में गूंज रही थी और आजान की तो जैसे किसी ने जान ही निकाल ली हो। जो बहनें बेटियां अपनी घर की दहलीज से एक बार कदम बाहर निकाल लेती हैं ना, तो वो मुआशरे में क्या, अपने घर वालों के भी दिल में कभी दोबारा मुकाम बनाने में कामयाब नहीं हो पाती। यही आमना के साथ भी हुआ और अब सारी जिंदगी उसको अपने घर से भागने की सजा भुगतनी थी। पहले उसने अपना बाप खोया, फिर शोहर और फिर बेटा, और ना जाने उसने क्या क्या और खोना था।